को श्रद्धांजलि देने यहाँ मौजूद हैं। इस समारोह में डीजीपी सहित राज्य के जितने भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, रांची ज़िले के अधिकारी हैं, जयपुर में आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें न्यूज़ 11 पर, और इधर परंपरागत ढंग से सलामी की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है जयपुर में। सामने की तरफ दिवंगत एसपी का परिवार, उनकी बेटी, उनकी पत्नी, पुत्र और उनके परिवार के सदस्य खड़े हैं। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्य के 3.25 करोड़ जनता की ओर से पूर्व आईपीएस अधिकारी श्री आलोक के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। बेहद भावुकता भरा क्षण। परिवार जनों से मिलने भी मुख्यमंत्री जा रहे हैं। आईपीएस अधिकारी श्री आलोक की पत्नी, ऐसे समय में किसी भी पत्नी, उनकी आंखें जिस तरह सूज गई हैं, इसी से एहसास हो रहा होगा आपको कि वो कितने समय से बीमार थे। ताइवान में कैंसर का इलाज करा रहे थे। मुख्यमंत्री उनके हालत के बारे में, उनकी बीमारी के इलाज के बारे में पूछ रहे हैं परिवार के सदस्यों को, कोई तकलीफ ना हो इस बारे में निर्देश दे रहे हैं। काफी समय से बीमार थे तो जाहिर है। अरे यार,
पूरे समर्पण के साथ श्री आलोक ने झारखंड पुलिस की सेवा की। खूंटी में अंतिम पोस्टिंग थी, मगर उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ और फिर वो सबसे पहले उन्होंने भारत में ही कई महानगरों में अपना इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन फिर ताइवान गए, मगर एक दिन पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मुख्यमंत्री उनके इलाज की पूरी प्रक्रिया और परिवार का ख्याल कैसे रखा जाए आगे और क्या किया जा सकता है श्री आलोक के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, ये इस वक्त विचार विमर्श कर रहे हैं। बेहद भावुक क्षण, परिवार से, पत्नी से ही खुद तसल्ली भरे अल्फाज बोलते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। श्री आलोक का मकान कहाँ है और बच्चे परिवार संग मुख्यमंत्री बैठे हैं और ये इसका साफ मकसद यही है कि पूरा राज्य जिसके लिए श्री आलोक की सेवा थी, इस दुख की घड़ी में श्री आलोक के परिवार के साथ है। ये एक सांकेतिक जेस्चर है जो मुख्यमंत्री अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो कुछ भी एक सरकार अपने दिवंगत आईपीएस अधिकारी के लिए कर सकती है वो यहाँ पे श्रद्धांजलि के रूप में, पुष्पांजलि के रूप में, सम्मान के रूप में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इधर अन्य अधिकारी भी पुष्पांजलि देते हुए एक एक करके बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के फॉर्मूले का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके सहकर्मी भी हैं, उनके सीनियर भी हैं, उनके जूनियर भी हैं, सभी लोग, पुलिस सेवा में लगे हुए तमाम अधिकारी मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं अभी भी परिवार संग। परिवार पर बिजली से टूट पड़ी है, पत्नी की सूजी हुई आंखों को देख के ही लगता है कि कई बरसों की सेवा, थकन, मेहनत, सब कुछ उन्होंने किया है जो एक भारतीय नारी करती है, मगर विधि का विधान एक ऐसी चीज है जिस पर किसी का बस नहीं चलता। और श्री आलोक अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका परिवार जिसको सपोर्ट किया जा सकता है, मोरल सपोर्ट भी, और जो सपोर्ट एक सरकार कर सकती है वो सब मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं अधिकारियों को, कहा है कि उनके परिवार को कोई भी दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लगातार श्रद्धांजलि का सिलसिला भी जारी है। सीधी तस्वीरें आप न्यूज़ 11 पे देख रहे हैं। ऐसी हृदय विदारक और दुख भरी तस्वीरें भी हम आपको दिखलाते हैं
और इसका मकसद होता है कि हम किसी की भी कुर्बानी, किसी परिवार की कुर्बानी और परिवार, देखिए खुद दिवंगत एसपी की पत्नी अपने पति का आखिरी दीदार करने के लिए जा रही हैं, किसी भी भारतीय नारी के लिए, किसी भी महिला के लिए ये क्षण कितना दुखदायी होगा इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। लगभग 5-6 वर्षों से श्री आलोक की पत्नी अपने पति के इलाज में उनके साथ साथ रही, जहाँ जहाँ जिसने सजेशन दिया वहाँ लेके गई। देश तो क्या, देश की परिधि को लांग कर ताइवान जैसे कंट्री में कैंसर का इलाज हो सकता है, वहाँ लेके अपनी पत्नी, उनकी पत्नी श्री आलोक को लेकर गई। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। और आज ये भी लिखा था कि जयवन के इस ऐतिहासिक ग्राउंड में श्री आलोक को अंतिम विदाई दी जाएगी। और जैसे कि परंपरा है, एक आईपीएस अधिकारी पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाती है। और परिवार के लिए बहुत कठिन समय है, और इस कठिन समय में उनका पूरा विभाग ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी सरकार, सरकार का मुखिया भी आज उनके दुख में शामिल होने के लिए यहाँ मौजूद है। इससे उनका दुख कम तो नहीं हो सकता, जो नुकसान उनके परिवार ने उठाया है वो घट तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी इस बात का एहसास ज़रूर आज उन्हें हुआ होगा कि झारखंड में किसी की कुर्बानी को भुलाया नहीं जाता, कमतर करके आंका नहीं जाता। हालांकि इनकी मौत एक बीमारी से लड़ते हुए हुई है। यहाँ पे अक्सर श्रद्धांजलि होती है, जो शहादत देते हैं, जो वीर सैनिक अपनी मातृभूमि, अपने वतन पर मर मिटते हैं, उनकी श्रद्धांजलि भी होती है। और ऐसे लोगों की भी श्रद्धांजलि होती है जो किसी गंभीर बीमारी से जूझते हुए इस दुनिया को विदा कह जाते हैं। चंद साल पहले ही एक अन्य आईपीएस अधिकारी प्रवीण सिंह की भी लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ था, और इसी जगह इसी स्टेज पे प्रवीण सिंह को भी श्रद्धांजलि दी गई थी। मुख्यमंत्री अब डीजीपी को कुछ ज़रूरी निर्देश दे रहे हैं, परिवार का ख्याल कैसे रखा जाए, परिवार के लिए क्या किया जा सकता है, ये सब कुछ एक निर्देश के सूरत में डीजीपी एमवी राव को मुख्यमंत्री दे रहे हैं। और खासा समय उन्होंने दिया है, परिवार के संग अभी भी मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, और उनके साथ श्री आलोक की पत्नी, उनकी बेटी और उनके परिवार के अन्य लोग भी मौजूद हैं। और अब लगता है कि श्रद्धांजलि समारोह संपन्न हो चला है। हालांकि अभी भी अब गृह सचिव एल खयांगते के साथ मुख्यमंत्री कुछ मंत्रणा करते हुए फिर से एक बार परिवार के लोगों से विदाई चाहेंगे। वही क्षण
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब प्रस्थान कर रहे हैं जैफ वन परिसर से। सीधी तस्वीरें न्यूज 11 पर। श्रद्धांजलि समारोह श्री आलोक एक्स आईपीएस ऑफिसर। सर 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 के लिए क्या करेंगे मुख्यमंत्री? देखिए अभी ये हमारा कोलीग कुछ महीने तक अस्वस्थ रहे और ठीक हो रहा था, अचानक कल क्या हुआ तो उनका देहांत हो गया था। जो सरकारी नियम के अनुसार जो भी इनको बेनिफिट्स मिलना है वो हम सब बहुत तरीके से दिलवा देंगे। उसके अतिरिक्त भी जो एक पुलिस परिवार की तरफ से हम लोगों को जो कुछ भी उनका परिवार का कष्ट दूर करने के लिए करना है। ये आलोक जी भौतिक रूप से आज नहीं है लेकिन उनके सारे कोलीग्स जो है उनका परिवार के साथ रहेंगे हम लोग। इनका जो भी दिक्कत होगी उसको दूर करेंगे और उनकी बेटी का शिक्षा वगैरह का भी जितना भी सरकार की तरफ से मदद चाहिए हम लोग कराते रहेंगे। तो देखिए पार्थिव शरीर अब उनके अंतिम संस्कार के लिए जो संभवतः हरमो मुक्ति धाम में किया जाएगा उसके लिए रवाना हो रहा है। और जैसा कि अभी मुख्यमंत्री जी ने भी परिवार के साथ कुछ समय बिताया और उनके दुख में कुछ देर साथ रहे और उन्होंने निर्देश दिए हैं डीजीपी झारखंड के मुताबिक कि उनकी बेटी की शिक्षा दीक्षा का पूरा इंतज़ाम और पूरा सपोर्ट झारखंड सरकार की तरफ से किया जाएगा। ये अभी अभी डीजीपी एमबी राव ने न्यूज़ 11 पर ये बात साझा की है और ये एक अच्छी बात है कि उनकी बच्ची अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने की कोशिश करेगी और इस सिलसिले में उनका पूरा राज्य, उनके पिता का विभाग और सरकार का पूरा समर्थन सपोर्ट हर तरह का मोरल भी और मॉनिटरी भी उनको दिया जाएगा। ये परंपरा है झारखंड की और इस परंपरा का निर्वहन होता हुआ अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये परिवार है, अब परिवार भी उनका एक नंबर लगा डीजीपी एमबी राव परिवार को फिर से एक बार तसल्ली देते हुए। और जैसा कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है उनके परिवार का परिवार आपके साथ फिर आके मिल लेंगे घर पर। ये वो दुख भरे क्षण हैं जो एक व्यक्ति अपने जीवन में अपनी सेवा के द्वारा पूरे
प्रदेश को यह एहसास दिलाता है कि उसका एक एक पल एक एक मिनट किसी भी सरकारी अधिकारी का, हालांकि कर्तव्यनिष्ठा पुलिस अधिकारियों में बहुत होती है, खास करके आईपीएस अधिकारियों में, और जब दुर्भाग्य वक्त किसी के साथ ऐसा हो जाता है तो पूरा पुलिस परिवार के साथ खड़ा दिखाई देता है। ये एक अच्छी बात है। और उस स्त्री का, उस विधवा महिला का दुख तो कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी मरने की उम्र नहीं थी श्रीया लोक की, अभी सर्विस भी बहुत बाकी थी, लेकिन विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता है। फिर भी एक ऐसी बीमारी जो अगर किसी को हो जाती है तो फिर उसका कुछ न कुछ नुकसान तो कर ही जाती है, और ज़्यादातर तो यही है कि लोग इस बीमारी के आगे हार मान लेते हैं। श्रीया लोक के साथ भी ऐसा ही हुआ, और आप देख सकते हैं कि उनकी जो थकन है, उनकी जो आँखों की जो सूजन है, वो इस बात की गवाही दे रही है कि बहुत दुख से हैं इस महिला ने, और अंत में हार हाथ लगी है, थके हुए कदमों से अब वापस अपने घर की ओर लौट रही हैं। पार्थिव शरीर अब अंतिम संस्कार के लिए जा रहा है। सर बहुत दुख में है। जी जी का। अच्छा अच्छा, मैंने कब हुआ है? कल रात को, वही 12:15 के आसपास हुआ, रांची में ही हुआ। ताइवान से 13 जुलाई को आए थे। ये ताइवान, इनको कब, कहाँ पे, कौन से पोर्शन में इनको तकलीफ थी? पहले तो लीवर कैंसर हुआ था, फिर उसके बाद ब्रेन में भी कैंसर हो गया था। तो खैर उसका 70% ट्रीटमेंट हो गया था, स्वस्थ हो गया था बिल्कुल। अचानक से फिर कुछ सोडियम वगैरह का लेवल डाउन हो गया था, उसी से अचानक डेथ हो गई। अस्पताल ले आते लेते, सेंट एविटा हॉस्पिटल ले गए थे, वहीं ले आते ले आते देहांत हो गया। कितने बच्चे हैं? एक बेटी है सर। चलिए, आप इस दुख भरी घड़ी में हम पूरे राज्य की जनता की ओर से, तो ये श्री आलोक के साले थे जो बता रहे थे कि कब यह हादसा हुआ। कल हुआ, रांची में हुआ, और अस्पताल ले जाते ले जाते, हालांकि ट्रीटमेंट हो गया था, सफल भी हो गया था, और ठीक भी होने लगे थे, लेकिन अचानक सोडियम लेवल कम हुआ और श्री आलोक ने दम तोड़ दिया।